देखिए, एरे फॉर्मूला क्या है? एरे फॉर्मूला जो है कि मल्टीपल सेल पे अपना वर्क करता है। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, कोई भी हम फॉर्मूला डालते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला डाल रहा हूँ, तो ये मुझे एक सेल में रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है जी, और एक ही सेल पे लगा हुआ है। एरे फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया तो इसके ऊपर चारों पांचों सेल पे एक ही फॉर्मूला लगेगा और हर एक सेल को अलग अलग रिजल्ट दे देगा। तो एरे फॉर्मूला की स्टार्टिंग कैसे होती है देखते हैं। इसके लिए सैंपल, कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। एरे का कॉन्सेप्ट है बड़ा ब्रैकेट, मैं इसमें करता हूं 1, 2, 3, 4 और बड़े ब्रैकेट से बंद कर दिया। ठीक है जी, नॉर्मल एंटर प्रेस करूंगा तो ये बंद दिखाएगा। ठीक है जी, अब मैं चार सेल सिलेक्ट करता हूं और यहां पे F2 दबाता हूं, एडिट में पहुंच गया। देन मैंने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते ही इसके इक्वल टू से पहले एक सेमी कॉलन लग जाएगा और एक बाद में लग जाएगा, और रिजल्ट में देख रहे हैं आप किसी भी सेल पे जाएंगे फॉर्मूला यही रहेगा आपका, बट आपका रिजल्ट अलग लग जाएगा। ठीक है, वैल्यू को अगर आप कॉमा से सेपरेट करते हैं तो वो आपके कॉलम्स में सेपरेटेड होती है। ठीक है जी, मान लीजिए ये जो तीन चार है मैंने यहां पे दिखाना है। ठीक है जी, अगर यही चीज मैं ऐसे करूं कि 1, 2, 3, 4 करके यहां पे करूं और इसको यहां से सिलेक्ट करके चार सेल पे F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाऊं तो खाली फर्स्ट वैल्यू ही आएगी मेरी, क्योंकि कॉमा वो समझता है कि अगली सेल के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब अगले कॉलम के लिए कहा जा रहा है। ठीक है जी, तो इस दिशा में अगर आपको बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमा की जगह यूज करते हैं रो में बढ़ने के लिए सेमी कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 जो है अलग अलग से लगा, अलग अलग रो में आ रहा है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जैसे 1, 2 यहां डालना है, 3, 4 ऐसे डालना है, इस तरीके से बनाना है। तो मैं क्या कोड लगाऊंगा, 1, 2 सेमी कॉलन 3, 4 ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए कॉमा सेपरेशन से क्या हुआ, कॉलम में बढ़ा, फिर जैसे ही सेमी कॉलन आया वो टूट गया और रो में चला गया। ठीक है जी, पर आप इसको इस तरह नहीं कर सकते कि कॉलन 3, 4, 5 अगर मैं इस तरह से लगाना चाहूं तो कुछ भी नहीं देगा। ठीक है जी, मतलब ये एक सिमेट्री में ही काम करता है, मतलब दो वैल्यू इसमें होनी चाहिए तो दो नीचे ही होनी चाहिए, इसी तरह से एरे चलता है। ठीक है जी, हम ये नहीं कर सकते थे कि नीचे वाले की वैल्यू बढ़ा दें ऊपर वाले की दो ही रहे। ठीक है, बेसिकली अब देखिए जैसे मैं कोई अपना सम का फॉर्मूला लगाता हूँ वही वाला, उनमें होता क्या है, रेंज में एरे हमें शुरू से दिखा रहा है बट हमें उसे पता नहीं होता है उसका। ठीक है जी, जैसे ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं और यहाँ मैंने जैसे सम का फॉर्मूला लगाया, सम का फॉर्मूला, यहाँ से ये रेंज सिलेक्ट कर ली। ठीक है जी, अब इस रेंज में हकीकत क्या है, आप इसको यहां से सिलेक्ट कर लीजिए और F9 दबाइए।
तो किस मोड में आ गया, एरे के मोड में आ गया। ठीक है जी। एक्चुअल में जो सम फंक्शन है किसी भी रेंज को इसी तरह से डिकोड करता है जो कि हम डायरेक्टली कर रहे थे। ठीक है जी। देख ले रो है तो सेमी कॉलम है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर कॉलम होता कॉलम में बढ़ता तो कॉमा आता। ठीक है जी। इसको भी करेंगे तो सही रिजल्ट देगा। ठीक है जी। तो ये होता है अपना एरे का फंडा। ठीक है जी। कोई भी जो एड्रेस होते हैं हमारे, अगर इसको हम डिकोड करना चाहें तो इसमें F9 करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाती है। तो ये इसी तरीके से आती है। ये है इसका मतलब। और इसको नीचे करके अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दूं तो इस तरह से जहाँ वैल्यू नहीं होगी वहाँ हैश एरे आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला लग रहा है पर सब सेल पे अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, मल्टीपल रिजल्ट जनरेट कर रहा है, मल्टीपल सेल पे चल रहा है। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, थोड़े से यूजेज देख लेते हैं इनके। मान लीजिए अपने पास कई बार सरकारी फॉर्म भरने होते हैं हमें। ठीक है। अब हम इस लेवल पे ले जाते हैं कि हम इसमें एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है। एक्सेल में एक सॉफ्टवेयर बनाने के क्या क्या फंडे होते हैं वो देखिए, उसी से रिलेटेड है ये। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ब्लॉक लेटर्स अलग अलग करने हैं। जैसे यहाँ पे मुझे एस यहाँ लिखना है, ए यहाँ करना है, एन यहाँ करना है, डी यहाँ करना है, इस तरह से। ठीक है। कैसे करेंगे, वैसे हमारे पास इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, मिड का, कि टेक्स्ट में से स्टार्ट नाम कौन सा है, कितने करेक्टर। ठीक है जी। इसको फिक्स कर देता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ इस फॉर्मूले। और इस फॉर्मूले में हर बार मुझे स्टार्टिंग नंबर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 1 से 2 किया, यहाँ पे फिर 3 किया। ठीक है जी। तो इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं कैसे किया जाए, तो इसको करेंगे एरे फॉर्मूला के थ्रू जो एक ही बार में अपना काम कर देगा। हमने सिलेक्शन ले लिया सब पे, मिड का फॉर्मूला लगाया, टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, देखिए स्टार्ट नंबर का खेल है, बाकी तो उसके बाद नंबर कैरेक्टर्स में तो 1 ले लेता है। स्टार्ट नंबर में मैं क्या दूं कि सब में लग जाए, एरे कैसे बनाऊं। तो इसके लिए या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इन्हीं इनका यूज कर सकता हूँ बड़े ब्रैकेट्स का। और इसमें क्या कर दूंगा, इसमें दे दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी। बड़े ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी। अब उसमें हुआ क्या, जैसे हमने कॉमा से सेपरेट किया तो मैंने बताया कॉलम में अलग अलग वैल्यू, जैसे 1, 2, 3, 4 मैंने दिया था तो 1, 2, 3, 4 दे रहा। तो इसने क्या किया, मिड फॉर्मूले में इसमें से जिस सेल में था उसको अलग अलग वैल्यू सप्लाई करी। ठीक है जी। पहली सेल में इसने 1 सप्लाई किया, दूसरी में इसने 2 सप्लाई किया, दूसरी में 3 सप्लाई किया। तो इसी तरह इसने जो सप्लाई किया उसका रिजल्ट दिया। अब चूंकि ये फॉर्मूला है तो अगर मैं यहां से वैल्यू बदल दूं तो भी वो आपके ब्लॉक फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है जी। एक बार में लग गया, बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये इस चीज को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं तो उसमें भी डिटेल वगैरह क्या करते हैं, कॉलम इंडेक्स बदलते हैं, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं इसका। यही मैंने आईडी से जनरेट कराना है, यहाँ पे रिजल्ट जनरेट कराना है। मैं क्या करूंगा, वी लुकअप का फॉर्मूला आपको पता है, इंडेक्स नंबर बार बार चेंज करना पड़ता है। लुकअप वैल्यू यहाँ से ले ली, जो लॉकिंग चाहिए थी इसके लिए मैंने दे दी। ठीक है जी। टेबल एरे मैंने यहाँ से ले लिया,
देन कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स कौन से अपने 2, 3, 4 का लाना, तो 2, 3, 4 कभी ब्रेसेस में हमने ये दे दिया और इसमें 0 दे दिया, ठीक है, एंटर। और इसको इस तरह से सिलेक्ट करके होल डेटा में F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हाँ मतलब खाली उसके लिए ऊपर के लिए, सिर्फ यहाँ के लिए F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो हरीश का आ गया। बाद में मैं फॉर्मूला अगर मैं ड्रैग करूँ तो हर एक का अलग अलग आ जाएगा। इस फॉर्मूला की एक खास बात होता है, जहां भी एरे अप्लाइड होगा उसको आप किसी एक सेल को डिलीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज अ पार्ट ऑफ एन एरे, किसी एरे का पार्ट ऐसे नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, या तो इसमें आप तो F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे अगर चेंज करना है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके तब डिलीट करना पड़ेगा जिन सेल में वो फॉर्मूला लगा होगा, क्योंकि वो एक ही फॉर्मूला है, तो एक पार्ट डिलीट करने से डिलीट नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाता है, इस तरह के फॉर्मूले में आपका फॉर्मूला सिक्योर हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, एक अलग तरह की सिक्योरिटी मिल जाती है इसमें। इसके अलावा अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, मान लीजिए 50 कॉलम हो गए, 50 वैल्यूज हो गई अलग अलग, तो ये झंझट पड़ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा जनरेशन होगा कैसे, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास एक और चीज होती है, अब मैं मिड का फॉर्मूला लगाता हूं, टेक्स्ट लिया और रो का फॉर्मूला लगेगा, जहां स्टार्टिंग नंबर में हमने कर ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 दिया था, उसमें रो का नहीं कॉलम, जहां रो में हम लेंगे तो वहां रो का फॉर्मूला लगाएंगे, और जहां कॉलम में लेंगे, जैसा मैंने बताया कि यहां कॉमा यूज कर रहे हैं ना, तो कॉलम है, तो कॉलम में सीधे सीधे नंबर जनरेट कराने हैं कि 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, इस तरह से। तो हम ऐसे करेंगे 1 कॉलम, अब 7 डिजिट का है तो 7, ठीक है जी, 1 कॉलम 7 7, इसका मतलब होता है कि 1 से 7 तक का कॉलम, ठीक है जी, ये ऊपर के आपको दिखा रहा है कि पूरे आपकी ये कॉलम वहां तक, ये रो है वहां तक सिलेक्टेड है, ठीक है जी। इसका मतलब कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि कॉलम के साथ 1 कॉलम 7 7 का मतलब है कि आपका यहाँ जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रहे थे तो वो काम इससे पूरा हो जाता है, ठीक है जी। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, सेम रिजल्ट दिखा रहा है, कोई चेंजेस होगी तो भी चलेगा। ये मेथड यूज होते हैं अपना कॉलन का और रो का, ठीक है जी। तो कॉलन वहां देंगे जब हमें कॉलम्स में वैल्यू चाहिए, रो जब देंगे जब हमें रो में वैल्यू चाहिए, ये सीधे सीधे नंबर जनरेट कराता है, ठीक है जी। अगर देखना चाहें कि करवा क्या रहा है तो इसमें क्या करते हैं, इवेल्युएट फार्मूला में देख लेते हैं, बट इवेल्युएट फार्मूला भी एक ही सेल को इवेल्युएट करता है। ये देखिए कॉलन, यहाँ पे इसने 1 दिया है, ठीक है जी, एक ही सेल को इवेल्युएट कर रहा है इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है जी, क्योंकि ये तो हर एक अलग अलग पार्ट में लगा हुआ है। अगर इसको जानना हो आपने कि इसने अंदर क्या किया है, तो किसी ऐसे फॉर्मूले में डालना पड़ेगा जो एरे एक्सेप्ट करता है फुल जनरेशन देखने के लिए, ठीक है। मान लीजिए फॉर्मूला में यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसको किसी इसमें डाल देता हूं, या किसी फॉर्मूला के अंदर डालेंगे ना, तो ये अपनी वैल्यू उसके अंदर ही स्प्रेड कर देगा। अभी क्या ये ओपन फॉर्मूला है, ठीक है, ये हर एक सेल में अलग अलग फॉर्मूला है, किसी सेल में अगर ये फॉर्मूला लगता है, हालांकि आएगा कुछ नहीं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, एरर ही आएगा, पर एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं खाली, इसका कोई मतलब नहीं है जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, बट ये आपको कैलकुलेशन बता देगा कि कैलकुलेशन क्या हो रही है इसकी,
वन कॉलन सेवन कर दिया मैंने और वन कैरेक्टर, ठीक है जी। सम के फॉर्मूला के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके दिया, अभी तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है। इवेल्युएट फॉर्मूला करते हैं, अब बताएगा कि ये कर क्या रहा है। एक्चुअली ये संदीप लिखा था, कॉलम वन टू सेवन जहाँ था ये कॉलम चला और इस तरह से इसने कोई वैल्यू जनरेट करा दी। देन इसने क्या किया, वैल्यू जनरेट कराई और उसमें अलग अलग देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स को इम्पार्ट कर दिया। जितनी भी वैल्यू उसने जनरेट कराई थी उस कॉलम में, जितनी सेल थी उसने काउंट करके जनरेट करा दी, ठीक है जी। उतनी वैल्यूज अलग अलग, ब्लैंक का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है जी। तो अलग अलग इस तरह से ये जनरेट करा देता है। अब आप ये देख रहे हैं सम का फॉर्मूला बचा है, मिड का नहीं बचा है, तो हर एक मिड के फॉर्मूले ने ये अलग अलग रिजल्ट दिया। इसलिए हम मिड का फॉर्मूला जब कैलकुलेट होता था तो हम एक ही पार्ट देख पाते थे उसका, क्योंकि हम एक ही सेल सिलेक्ट करते हैं। तो सम का फॉर्मूला एरे एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसमें हम कैलकुलेशन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन ये होती है इसकी। देन क्या करते हैं, इसमें आगे देखते हैं। अब जैसे ये हमें ये नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक से सात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, रो लगा के देखते हैं, रो लगा के चलता है क्या ये। नहीं चलता, ठीक है जी। रो लगा के ये चलेगा ऐसे, और उसके लिए भी मुझे एरे चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे इस तरह से रिजल्ट देना है, ऐसे रिजल्ट देना है, तो मुझे रो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, रो का फॉर्मूला लगाना है, वन कॉलन सेवन, जो भी लेंथ होगी उस हिसाब से। कैरेक्टर वन, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग आइडेंटिफाई करता है। एरे बेसिकली कोई फॉर्मूले नहीं है, एरे एक फॉर्मूले को लगाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। रियल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये आपकी फॉर्मूला इस नाम से कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला की जब आपको एडवांस नॉलेज है, ये जिसमें हम घुस रहे हैं इधर, जिससे हम इनको इनके रिजल्ट्स को बदलने लगेंगे फॉर्मूला के किसी को, ठीक है। तो एक चीज करते हैं, जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिखाया था मैंने, सम प्रोडक्ट वगैरह का, ठीक है। यहाँ पे कोई ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अलग अलग रो, तो इसमें मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक पैटर्न बताया था कि जैसे रेट क्वांटिटी हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ तक लाया, फिर इसका मैंने टोटल कर दिया। तो इस कैलकुलेशन को निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सम प्रोडक्ट, ठीक है जी। सम प्रोडक्ट है जिसमें आप डायरेक्टली एरे दे सकते हैं। अब ये एक्सेल का बनाया हुआ फॉर्मूला था, ठीक है जी। मान लीजिए ये फॉर्मूला बना ही ना होता तो क्या ये काम हम कर पाते, तो एरे फॉर्मूला इसमें हेल्प करता। नॉर्मल सम के फॉर्मूला से भी हम यही चीज कर पाते। कैसे, ये रेंज ली, मल्टीप्लाई किया इस रेंज से, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ये एक सेल में अगर आपको करना होता, ये N3 को O3 से ही खाली करना होता एक एक को, तो इसमें एरे लगाने की जरूरत नहीं। बट अब ये रेंज का सवाल है, मल्टीपल हो जा रहा है,
तो उस केस में आपको क्या चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, एक और चीज से समझाता हूं इसी चीज को। मान लीजिए यहां पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, कुछ नाम वगैरह लिखे हुए हैं। अब इनकी आपको लेंथ चेक करनी है, ये जो टोटल लिखे हैं इनकी टोटल लेंथ क्या है। तो आपको क्या करना पड़ता है, लेंथ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, यहां तक ले आया, फिर इसका सम करना पड़ता है। ठीक है जी, अब लेंथ का फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पे एक ही सेल के तो दे सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई रेंज दे देते हैं तो ये चलता नहीं है। अगर ऐसे दे दू तो कोई चलेगा नहीं, पहले वाले की दिखाएगा, क्योंकि रेंज मल्टीपल एक्सेप्ट ही नहीं करता, ओनली सिंगल सेल वैल्यू एक्सेप्ट करता। फिर मैंने यहाँ पे इसको सम कर दिया। अब यही चीज मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सम के अंदर लेन का फॉर्मूला लगाऊंगा, और लेन में एक करता है ना, यहाँ पे पूरी सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सेम रिजल्ट आया। इवेल्युएट करके देखते हैं किया क्या है इसने। लेन ने कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगाते ही लेन ने इन सब की अलग अलग लेंथ निकाल दी। ठीक है जी, उसी फॉर्मेट में जिसमें मैं बात कर रहा था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फिर सब ने क्या किया, सम कर दिया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आपके क्लिक हुआ होगा कि कैसे चल रहा है ये। ठीक है, अब इसी से जुड़ा, इसी को आगे बढ़ा देते। अब मान लीजिए मुझे निकालना है, वी लुकअप तो आपके पास है, मुझे ये निकालना है कि इस रेंज में जो सबसे बड़ा जो नाम है वो आ जाए। तो इस तरह इसके लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा, तो अपने पास मैक्स का फंक्शन है, मैक्स लगाया मैंने, और मैक्स के अंदर वही लेन का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला। ठीक है, ये रेंज का, मैक्स भी रेंज एक्सेप्ट करता है और उसमें सबसे बड़ा दे देता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर 13, इसने मुझे रेंज दे दी। ठीक है जी, तो सबसे बड़ी रेंज दे दी, पर अब मुझे नाम दिखाना है तो क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स का फॉर्मूला ले सकता हूँ, जहां से सिलेक्ट किया मैंने, और रो नंबर, हाँ पहले मुझे मैच करना होगा, मैच कि ये लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, ये इसमें कहा है, मैच टाइप थी। ठीक है जी, तो इस रेंज में आया कि पांचवें नंबर पे। देन अपने पास इंडेक्स का फॉर्मूला है, इंडेक्स में अगर मैं ये ले लेता हूं और इसमें से ये रो नंबर दे देता हूं तो रिजल्ट निकाल के दिखा देता है। ठीक है जी, अब मान लीजिए इसमें कोई और बड़ा हो जाता है, यहां पे फॉर्मूला वो निकाल के दे देगा। ठीक है जी, अब इन तीनों चारों फॉर्मूला को अपने मैंने कंबाइंड करना तो बता ही रखा है कैसे करते हैं, तो वही आपने लगाना है। तो सबसे लास्ट में था अपना इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है जी, इंडेक्स में जो एरे था वो ये था। ठीक है जी, और रो के अंदर मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया था, और मैच में मैंने लुकअप वैल्यू कौन सी कराई थी, मैक्स लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ। ठीक है जी, लुकअप वैल्यू यही कराई थी। अब मैक्स ने बड़ी वैल्यू निकाली पर रेंज भी चाहिए, तो रेंज क्या थी, लेंथ, ये वाली रेंज हो गई। ठीक है जी, अलग अलग रेंज हो गई इसमें, एरे दे दिए मैंने। देन मैच टाइप जीरो, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो सिर्फ एक फॉर्मूला हो गया मेरा जो ये निकाल के दे सकता है। ठीक है जी, एरे का फॉर्मूला है ये भी हमने देखा। जब और एग्जांपल देखते हैं इसके,
अब हमारे पास ये है, मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, इसमें निकालना है कि टॉप फाइव वैल्यू। टॉप फाइव कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है जी। लार्ज का फॉर्मूला था अपना, लार्ज एरे सेलेक्ट किया, लॉकिंग कर दी के, ठीक है जी। और ये करके मैंने क्या किया, टॉप फाइव निकाल ली, फिर इसका सम कर लिया, टॉप फाइव का सम करना है। अब ये मुझे चाहिए, किसमें चाहिए, एक ही फॉर्मूला के अंदर, कि मुझे ये सारा काम करना ही ना पड़े। एक फॉर्मूला के अंदर कैसे होगा, अब देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने कौन सा, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्या किया था कि लार्ज का फॉर्मूला लगाया, और एरे, ये जो के है ना, इसका मुझे एरे का जुगाड़ करना पड़ेगा बस। तो लार्ज का फॉर्मूला मेन एरे दिया, फिर ये जो के में है, जो कि एक सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, के में क्या कर दूंगा, या तो मैं ब्रैकेट में दे दूंगा 1 2 3 4 5, या फिर मैं वैसे दे दूंगा कॉलन करके, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ये मेरा वर्ड हुआ। इसमें क्या करेगा, ये हर एक लार्ज वैल्यूज का, एट टॉप फाइव लार्ज वैल्यूज का एरे बना देगा, ठीक है जी। लास्ट में मुझे क्या करना है, इसको सम करना है, जो एरे होगा ट्रांसफर हो जाएगा सम के अंदर, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी, ये आ गया रिजल्ट। एरे फॉर्मूला यूज में थोड़े से मुश्किल है, बट एक बार आपको समझ आ गया तो इससे आप मतलब काफी बड़े बड़े, आप सोच भी नहीं सकते आप क्या क्या कर सकते हैं इन फॉर्मूला के जरिए, ठीक है जी। बस इस पे आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। वर्ल्ड में एक ही बुक इस पे लिखी गई है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, मिस्टर एक्सेल ऑथर है उसका, सिर्फ उसी ने लिखी है, ठीक है जी। इसके अलावा इसका कोई रिसोर्स, इसका रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। इसका थोड़ा बहुत आपको टेक ऑन में नेट में भी मिल जाएगा, ठीक है जी। बाकी और देखते हैं। और हाँ, एरे हमेशा नंबर्स पे ही वर्क करता है। देखिए लेंथ वेंथ में मैं कन्वर्ट करा रहा हूँ, तो नंबर्स पे ही वर्क करता है मोस्टली, ठीक है जी। नंबर को मैनिपुलेट करा सकते हैं। देन एक और जगह इसका यूज होता है कि जैसे हम सम इफ का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है जी। अब सम इफ के फंक्शन को आपको यूज करके दिखाऊंगा मैं। यहां से मैं कहता हूँ कि संदीप का टोटल कितना है, या किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे का टोटल कितना, वो यहां से करके दिखाऊंगा कैसे होगा। ये एक नाम मैंने यहाँ दे दिया, अब इसका टोटल कितना है, सेल्स कितना है, मैं लगाऊंगा सम इफ का, जैसे लगाते हैं ना, सम इफ नहीं होता तो क्या करते हैं। अब इफ होल रेंज दे दूंगा, यहाँ पे मोस्टली एक वैल्यू देते हैं, बट यहाँ पे मैं पूरी पूरी रेंज दे रहा हूँ। अगर ये इक्वल टू है इसके, तो क्या करे, सम के लिए मुझे ट्रू में फुल रेंज ये दे दूंगा, ठीक है जी, अदरवाइज जीरो दे दूंगा, ठीक है जी। ये इफ के अंदर मैंने कहा, सम के अंदर इफ लगा के ये काम किया। मोस्टली क्या होता है कि हम सिंगल सिंगल रेफरेंस देते हैं, बट हमने अब यहाँ पे एरे दे दिया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, लगता है एक ब्रैकेट कम है, इस कारण से एक ब्रैकेट और बढ़ा देते हैं, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। अगर मैं सम इफ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं तो वो भी आपको सेम रिजल्ट देगा, रेंज क्राइटेरिया और सब रेंज, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जो यूटिलिटीज के फंक्शन है, मोस्टली आपका एरे फंक्शन कर देता है, जो इसका इंटरनल प्रोसेस है वो उसको हम एक्सटर्नल में ले आए।
इसी तरह से एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है माइनस पे माइनस कुछ वैल्यूज यहाँ पे अपने माइनस में पड़ी हुई है। अब इनको क्या करना है, मैंने मैंने कहा कि चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो सबका एवरेज चाहिए, ठीक है जी। माइनस है तो उसे प्लस में करके एवरेज दो। तो इसके लिए मैंने बताया था एबीएस का फॉर्मूला, ठीक है जी। ये प्लस को प्लस में रहने देता है और माइनस को माइनस में बदल देता है और यहां से मैंने सम एवरेज कर दिया या सम कर दिया, एवरेज कर देते हैं, ठीक है जी। इनका एवरेज कर दिया तो 55 पॉइंट कुछ आए, ठीक है जी, एबीएस के थ्रू। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसके लिए शॉर्ट प्रोसेस क्या करना है। एवरेज, ठीक है जी। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, एबीएस, क्योंकि वो एक सेल के लिए। तो एबीएस में हम क्या करेंगे, नंबर की जगह फुल रेंज दे देंगे, ठीक है जी। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया सिंह। तो कुछ हद तक मेरे ख्याल से एरे आपको स्ट्राइक कर रहा होगा कि अभी एरे कर क्या रहा है। इफ की कंडीशन में भी ये इसी पे ही खेल किया है मैंने, ठीक है जी। देन कई बार क्या होता है यहां पे, मैं क्या करता हूं इनको डिवाइड कर देता हूं इधर से। डिवाइड कर दिया मैंने या मोस्टली एक ही, इसको हटा लेते हैं। क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे। कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी टारगेट वर्सेस कुछ भी निकालते हैं या कोई भी वो दे देते हैं, ठीक है जी। कोई इस तरह का फॉर्मूला लगा है डिवाइड वाला, ठीक है जी। इसमें ये फॉर्मूला से वैल्यू आ रही है और कहीं मान लीजिए जीरो है, ठीक है जी, ये जीरो है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सम लगाएंगे। इस तरीके का कोई कैलकुलेशन कर रही पर वैल्यू का आ रही है, एरर आ रही है, ठीक है जी। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि यहां पे एरर आ रही है इसलिए एरर आ रही है। पर अब भी मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला फिट करना है जो मेरा यह काम करके दे दे, सम करके दिखा दे। बाकी वो कैलकुलेशन जो डिवाइड वाइड है उसको छोड़ देते, अभी खाली सम करने की बात करते हैं कि सम अभी भी मुझे देखना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इफ एरर, ठीक है जी। इफ एरर क्या करता है, किसी में एरर हो तो उसकी जगह आप रिप्लेसमेंट वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें एक हम फॉर्मूला या एक वैल्यू देते थे, इसमें पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है जी। और मैंने कहा जब एरर आए तब तुम क्या करना, जीरो दे देना, ठीक है जी। और इसको मतलब जब एरर नहीं है तो उसी सेल की वैल्यू आएगी, अदरवाइज जीरो आएगी। इसको मैंने सम के फॉर्मूला के अंदर लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला है नहीं, ठीक है जी, ये रियल प्रॉब्लम है जिसका फॉर्मूला एक्सेल पे नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है जी। तो इस तरह से करते हैं। तो मैचिंग कराने के लिए जैसे मैंने आपको एक यूज दिखाया, इसका एक क्राइटेरिया यूज करते हैं इसके अंदर। जैसे मैचिंग के लिए क्राइटेरिया सम इफ का मैंने बताया, लॉजिकल के साथ यूज करके मैचिंग कैसे कराते हैं, ठीक है जी। और बाकी यूजेज मैंने जो फॉर्मूला थे या नहीं थे उनके थ्रू दिखाया आपको।
इसके बारे में जो एडवांस है हम कल करेंगे। जब तक मैं आपको कहूंगा कि आप टेकअंदर नेट पर जाएं, और उसमें एरे फॉर्मूला के रेफरेंसेस हैं उनको देख के उसको करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, कुछ और समझ में आएगा आपको एरे के बारे में। एरे के अंदर बात यही है कि आप जितने एग्जांपल इसके प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा एरे में आपके समझ आएगा। तो मैं एक्सेल करता हूँ, पर एक्सेल करके फंक्शन में नहीं जाना है डायरेक्ट, ठीक है जी। एक्सेल फंक्शन से, एक्सेल फंक्शन में हर एक कैटेगरी है, लास्ट में एरे फार्मूला, ठीक है जी। एरे फार्मूला खोलेंगे तो इसके आपको थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है जी। हर एक के, सम के, काउंट के, एवरेज के, कुछ आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इनको देखिए, ठीक है जी, बहुत सारे एग्जाम्पल, तो इनको देखिए, धीरे धीरे आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और अपने काम पे आप लगा पाएंगे। कल हम इसमें थोड़े से एडवांस चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे समिंग के लिए यहाँ पे ये क्राइटेरिया क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख लेंगे। कल करेंगे, बाकी तब तक यही कहूंगा, इसको आप देखिए।